हेलो, माई सेल्फ अभिषेक प्रकाश एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी मिलती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो उस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें ई सेल के बारे में पता होता है तो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे डेल्टा जी और ई सेल के बीच का रिलेशन। अब हम जानते हैं डेल्टा जी जो होता है वो होता है नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क डन ऑन सिस्टम। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क इलेक्ट्रिकल होगा और जो पोटेंशियल होता है सेल का वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी W बाई क्यू। तो यहाँ से हम देखें तो जो वर्क इलेक्ट्रिकल है वो हमें पता चल जाएगा, वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू ई सेल इन टू क्यू, यानी हमारे रिएक्शन में कितना चार्ज पास हो रहा है। अब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पास होता है और इलेक्ट्रॉन जो है एक लार्ज क्वांटिटी में पास होते हैं, जैसे कि मोल में, एक मोल, दो मोल। तो हम लेट से अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। अब जब हम इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक मोल पे कितना चार्ज होता है, तो वो हमें मिलता है 96485 कूलम, जिसे कि हम अप्रोक्स लेते हैं 96500 कूलम और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं 1 फराडे, मींस 1 फराडे पे 96500 कूलम चार्ज होता है। तो अगर हमारा कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि हम 1 फराडे ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं तो हमारा वर्क हो जाएगा ई इलेक्ट्रिकल इनटू एफ, और अगर एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो वो हो जाएगा एन एफ ई सेल। अगर हम माइनस का साइन यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस वर्क इलेक्ट्रिकल, और अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। और इसी क्वांटिटी से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है उस पर स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अगर हम ई सेल की वैल्यू फाइंड करें, पहला केस, अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर हमारा ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आता तो यहाँ पे हमारा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। हम इसी फॉर्मूलों का यूज करके नर्स्ट इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन देखा था कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू, और यहाँ जो क्यू है ये है रिएक्शन क्वेश्चन, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम
ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां से पुट कर दे तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आरटी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सेल का ई सेल यानी पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। और अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले तो ये जो टर्म है जो कि कांस्टेंट है ये हमें देगा 0.059 अपॉन एन। और ये तभी होगा जब हमारा टेम्परेचर टी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस होगा। बाकी टेम्परेचर पे हम वही स्टैंडर्ड नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ये इक्वेशन तभी होगा जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। थैंक यू।